ज़्यादा जाम है तो अभी इसको ये देखो गाइस, एक को भी हेलमेट नहीं लगा हुआ है भाई। ये देख रहे हो यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा, आज सुबह से ये प्रोग्राम ही चल रहे हैं यहाँ पे। क्या चीज़ है ये, कुछ तगड़ा फंक्शन है इनका कोई। आई डोंट नो व्हाट इज दिस एंड दिस इज व्हाट है, क्या नहीं है ये। तो भैया हम लोगों को चाहिए कि वापस निकलें। भैया ये क्या कोई फंक्शन है यहाँ पे? फंक्शन है गुरु महाराज का जन्मदिन है। ये रूम शूम मिलेगा कहीं पर? रूम इसने कहाँ से बोला? यहाँ से तो भाई लोग, कोई गुरु महाराज का दिन है आज इनका बड़ा, तो इसलिए वो ये बना रहे हैं। तो फ्रेंड्स अभी हम निकल पड़े हैं अंदर सिटी के लिए, जिस कॉलेज में मुझे काम है वहाँ पे जाना है मुझे। अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम है, वो आप लोगों से बाद में शेयर करता हूँ। हम शाम को यहाँ पे भी आए थे होटल के लिए, लेकिन यहाँ पे अच्छे रूम्स नहीं थे, इसलिए फिर हमें वापस जाना पड़ा और वहीं पर हमने रूम वगैरह किए थे। तो एक ये वाला होटल है सामने जो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को राइट में, यहाँ पे भी आए थे हम लोग, बट यहाँ पे भी हमें रूम अच्छे नहीं लगे और बाइक भी सिक्योर नहीं थी यहाँ पे, यहाँ से भी हमने रूम वगैरह नहीं देखे। अब निकल आए वहाँ से भी आगे, देख रहे हो भाई, पता नहीं क्या चीज़ है ये, कौन सी गाड़ी है, इसमें भी सवारियाँ बैठती हैं, कुछ पता नहीं चल रहा है क्या है, क्या चीज़ है। तो फिर भी इसको भी पैसेंजर गाड़ी का नंबर डला हुआ है, हमने ढूंढना है कॉलेज कहाँ पे है। और सोचा था यहाँ कहीं आस पास में ही होगा, काफ़ी दूर है यहाँ से, 16 किलोमीटर यहाँ से भी आगे है। मैं तो सोच रहा था पठानकोट पहुँचे तो कॉलेज भी पहुँच गए, पर वो बहुत ही ज़्यादा दूर है यहाँ से, करीबन 16 किलोमीटर बोला है बंदे ने। अब मैंने मीटर लगा दिया 16 किलोमीटर पे, तो अब चल पड़ा हूँ मैं यहाँ से, पठानकोट की सिटी है वो क्रॉस कर रहा हूँ। तो भाई ये जो रास्ता है श्री साई कॉलेज का है, ऐसा लगता है कि धर्मकुंड से ऊपर जा रहा हूँ मैं, वो मैं पट पंजाब में। ये देख रहा हूँ कितना मस्त दिखाई दे रहा है, साफ सफाई है यहाँ पर, काफ़ी ऐसा अच्छा फील हो रहा है। तो कुछ ही किलोमीटर है मस्तने वाले हैं श्री साई कॉलेज, पूछना पड़ेगा आगे किसी बंदे से, यहाँ पर आर्मी कैंप बड़े ज़्यादा है, अगर तुमने कैमरा देख लिया वीडियो तो बड़ा मुश्किल है, कैमरा अलाउड नहीं करते अगर, मुझे लगता है कैमरा ऑफ ही रखना पड़ेगा। ये यहाँ पे साई कॉलेज स्टार्ट होता है, यहाँ से एंट्री, बहुत ही बड़ा कॉलेज है, 1.5 किलोमीटर बोला बंदे ने, जहाँ से स्टार्ट होता है कॉलेज इतना बड़ा है, 1.5 किलोमीटर आगे चल के फिर वहाँ से लेफ्ट होना है, इतना बड़ा कॉलेज है। इसका आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, जब 1.5 किलोमीटर का रास्ता उसको है तो फिर ये अंदर कितना ही बड़ा होगा। आगे से फिर एंट्री मार रही है लेफ्ट की तरफ। तो भाई लोग हमारे कॉलेज का काम तो अभी हुआ नहीं, अभी अमृतसर जाना पड़ेगा हमें फिर से कॉलेज में, यार बड़ा लंबा पड़ रहा है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है कॉलेज का, कुछ इश्यू आ रहा है मुझे डिप्लोमे में, अब पता नहीं क्या सीन है क्या नहीं है, तो वो देखना पड़ेगा वहाँ जा के भी। बोनोफाइड नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन फटी हुई है, अब जाना है मुझे बोनोफाइड लाने के लिए। तो यहाँ से तो मैं फ्री हो गया हूँ, लेकिन अभी निकल यहाँ से भी आगे जाना है मुझे अमृतसर, और वहाँ पता नहीं कितने दिन लगेंगे, आई डोंट नो। तो टेंशन बहुत ही ज़्यादा है, प्रे फॉर मी। पुलिस का नाका 4-way पे चढ़ जाए फिर पुलिस की टेंशन नहीं होती है, होता कुछ नहीं है, मेरे पास सारा कुछ डॉक्यूमेंट्री कंप्लीट है, और टाइम वेस्ट होता है बड़ा ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे टाइम की बहुत ही ज़्यादा कमी है मुझे। ये देख रहे हो गाइस, पुलिस वाले आ गए, खुद तो ये बाइक पे हेलमेट लगाते नहीं, और दूसरे को चलान इन्होंने एकदम से करना होता है। देख रहे हो इन दोनों को हेलमेट लगा नहीं है, ये दो पुलिस वाले हैं, दोनों कांस्टेबल हैं, और ये खुद तो हेलमेट का उपयोग नहीं करते, दूसरे को बोलते हैं भाई हेलमेट लगाओ। ये देखो गाइस, एक को भी हेलमेट नहीं लगा हुआ है। यहाँ पे भी ट्रैफिक जाम होता है, देख रहे हो आप लोग, इतना 6-way है, गाड़ियाँ ही ज़्यादा हो गई है, इंडिया बड़ा अमीर हो रहा है भाई दिन ब दिन, गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो रही है, देख रहे हो कितना लंबा ट्रैफिक है यहाँ पे। तो भाई ये यार, ये कट कुट भी मारते रहते हैं गाड़ी वाले, मुझे कहीं साइड पर लगाना है फर्स्ट ऑफ ऑल, देखना पड़ेगा खाना, हमने भूख बड़ी ज़्यादा लगी है, सुबह का कुछ खाया भी नहीं है।
तो फ्रेंड्स अभी हम निकल आए हैं पंजाब चंडीगढ़ के लिए। तो पठानकोट क्रॉस कर दिया मैंने, रोड काफ़ी ज़्यादा मस्त रोड है भाई, मज़ा एकदम। अभी तक मैं पीछे यहाँ पे एड्रेस पूछ रहा था बंदे से यार, उसने पकड़ ही दिया था, ड्रिंक करी हुई थी उस बंदे ने बहुत ही ज़्यादा। फिर मुश्किल से छूटे वहाँ से। तो ऊपर से जो देख रहे हो आप लोगों को सामने से दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये है रेलवे ट्रैक, ट्रेन चलती है। और यहाँ के ब्लॉग यहाँ के व्यूज़ में आप लोगों को दिखाने वाला हूँ आप लोगों को। तो फ्रेंड्स विंड ब्लास्ट बहुत ही ज़्यादा आ रहा है, आप लोगों को तो सुन पा रहे होंगे, विंड ब्लास्ट की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। बाकी पंजाब देश गर्ल्स कॉलेज जाना है हमें, वहाँ से ही हमारा काम जो है वहीं से बनेगा। तो भाई पता नहीं अब विंड ब्लास्ट आ रहा है कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है, अभी कैसी आ रही है आवाज़ आपको, वो मैं आप लोगों को देख के बताएँ। भाई लोग ये तो चल चल के ख़त्म ही नहीं हो रहा है यार, अब भी पंजाब में ही है हम, अभी आगे और 200 किलोमीटर जाना है। और देख रहे हो रोड कितना मतलब विड़की रोड है यार, बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इस पर चलने का, एक्सीडेंट का खतरा भी बहुत कम है इस पर, क्योंकि एक तो ये सीधा है, दूसरा ये विड़ से भी बहुत ज़्यादा है। ये एक्सीडेंट के खतरे हमारे ही रामबन में ही रहते हैं ज़्यादातर, अगर यहाँ पर बाई द वे एक्सीडेंट हो भी गया तो बचने के 99.9% चांस है, और जो 0.1% चांस है वो बचने के हैं। तो यहाँ पे जो भी बंदा चलता है 100 प्लस होता है, 100 तो इस रोड के लिए नॉर्मल है। तो ओए भाई पता नहीं क्या चीज़ है यार, ये पुलिस भी इनके साथ आए रहा था, कुछ तो है तगड़ा फंक्शन है ये। तो ये है भाई पंजाब की पुलिस SHO साहब बीच रोड में चल रहे हैं, जलंधर गुरदासपुर जलंधर 72 किलोमीटर गुरदासपुर 24 किलोमीटर। अब आ गए हैं यार, पूरा कंफर्म करके ही जाएंगे, सितारों से आगे और भी जहां होता है, मेहनत कर चलता जा, रुकना नहीं। भाई ये देख रहे हो आप लोग यहां पे, जैसा कि सामने बच्चे दिखाई दे रहे हैं कितना, ये देख रहे हो ट्राले में जा रहे हैं। ये देख रहे हो सामने बच्चा, अच्छा भाई अंधेरा बड़ा ज़्यादा हो गया। तो कुछ ट्रेनें तो 100-120 के करीब चलती हैं, लेकिन क्या बताएं आप लोगों को यार, ट्रेन का क्या ही मुकाबला कर सकते हैं हम लोग यार, वो भी RS 200 लेके यार, अभी वो हमसे आगे काफ़ी दूर पहले, अगर हाँ साथ साथ निकले होते तो कुछ भी हो सकता था। तो 150 की स्पीड में हो सकता, अगर वो 140-130 चल रही होती तो मैं 150 में निकल जाता उसको आगे, 170 तो मैंने इस पर चढ़ाई भी है, वो आपने वीडियो भी देखा होगा वो वाला। साथ साथ चले ना ट्रेन तो फिर बंदा चलो आगे ना निकले तो पीछा कर सकता है बंदा। अभी ये साथ में पटरी है तो पटरी के आसपास कोई ट्रेन मुझे दिखाई नहीं दे रही, और अंधेरा भी हो गया, अंधेरे में इतना ज़्यादा दिखता भी नहीं है। होप कि आप लोगों को भी मज़ा आ रहा होगा ये सब चीज़ें देख के। ओ भाई गाड़ी वाले ने क्या पास किया यार, कैसे चलते हैं यार ये लोग, पता नहीं कौन सा टोल प्लाजा है, आई डोंट नो। बाइक की लेन तो इस साइड में फ्री ऑफ कॉस्ट, बाइक का कोई भी यहाँ पे चार्जेस, बाइक का यही मज़ा होता है, इसलिए आई लाइक बाइक। वहाँ का आया पुलिस का, पता नहीं कौन सी पुलिस है, ये तो हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी मुझे आती नहीं है, बट हिंदी आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आती है लेकिन इतना फिर रुक के पढ़ना पड़ता है। भाई अभी हम पहुँचे हैं अमृतसर के करीब ही हैं, यहाँ पे कुछ पता नहीं चल रहा है कहाँ पे हैं, अभी हमने यहाँ पे रूम वगैरह लेना है कहीं पे, रूम अमृतसर है राइट में, दिल्ली है लेफ्ट में, यहाँ से मैं रुका हूँ पहले भी एक बार कंफर्म करने के लिए, तब मैं दिल्ली जा रहा था। ओ भाई ट्रैफिक जाम है भाई, ट्रैफिक बड़ा ज़्यादा जाम है, तो अभी चौक पता नहीं पहुँची है यहाँ पर, जलंधर शायद पहुँचे हम, जलंधर सिटी जो है वो अंदर है यहाँ, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे कहाँ पे हम लोग। वाइज़र खुला है, वाइज़र खुला रखने के बाद आवाज़ ऐसी आती है, जलंधर सिटी है वो जो हमने अंदर जाना है। भाई ये देख रहे हो आप लोग सामने, सिर्फ फंक्शन ही फंक्शन देख रहा हूँ मैं अभी तक। आपको बोर्ड दिखाई दे रहा होशियारपुर,
यहाँ पे होशियार लोग रहते हैं होशियारपुर में। देशभक्त यूनिवर्सिटी गुलाबगढ़ के लिए बहुत ही ज़रूरी काम, जिस काम के लिए मैं आया हूँ वो काम करना ही करना है, और आप लोगों के लिए एक अच्छा सा व्लॉग लेके साथ में, वो काम तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मेरा। अभी लग पड़े हम 4 वे के ऊपर, यहाँ से हम निकलेंगे टापो टाप सीधा। तो भाई थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है यार, चल चल के सुबह से चल रहा हूँ मैं आज सुबह से, कभी एक कॉलेज में काम कभी दूसरे कॉलेज में, आज तो इतनी ज़्यादा थकावट हो गई ना, मेरी बैंड बज गई है यार पूरी तरफ से मेरी बैंड बजती है। इंडिया बहुत ही ज़्यादा एडवांस हो गया है, रात को भी बिना लाइटों के गाड़ी चल सकती है, देख रहे हो आप लोग सामने कितनी लाइटें, कितनी सारी लाइटें लगी हुई है, और बिना लाइटों के भी इंसान ड्राइव कर सकता है रात को यहाँ पे। लेकिन आउट ऑफ जे एंड के में ऐसा कोई अरेंज नहीं किया हुआ है, हर 10 मीटर का एक पोल लगा हुआ है, उस पोल के ऊपर दो दो लाइटें लगी हुई हैं, और ये मज़े वाली बात है। तो फ्रेंड्स अभी हम आए हैं होटल में, यहाँ पे रूम लेना है हम लोगों ने, अंदर फैमिली हॉल है, यहाँ पे मैरिज पार्टी चल रही है किसी की, तो मैं आया हूँ यहाँ पे रूम लेने के लिए। अभी यहाँ पे लेंगे हम रूम, अगर अच्छा लगा तो ठीक, अदरवाइज निकल पड़ेंगे यार। अब अच्छा लगे या सर, होटल तो बहुत बड़ा है, बहुत ज़बरदस्त होटल है, लेकिन अब अच्छा लगे या बुरा लगे सोना तो पड़ेगा ही। अंदर देख रहे हो आप लोग, अंदर वो देखो पीछे मैरिज पार्टी। अब भाई साहब से पूछते हैं, चलते हैं फिलहाल इस भाई साहब के साथ रूम देखने के लिए। तो भैया अब हमने कोई बात नहीं करनी है फिलहाल, ये देख रहे हो आपका भाई, मैं GoPro से ही बना रहा हूँ, ये आ गया आपका भाई। भाइयों लाइक शेयर कमेंट करना, वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर। इसके बाद ये देख रहे हो ऊपर झूमर कितना मस्त टाइप का है, और ये यहाँ पे किसी की शादी है, लेडीज़ पता नहीं क्या है कुछ वगैरह वगैरह। तो अभी ये भाई साहब आएगा, हम निकलते हैं यहाँ से अंदर रूम के लिए, रूम देखते हैं। तो आज का ब्लॉग हम इसी के साथ इसी होटल में एंड करते हैं, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में। तो फिलहाल तो अभी चलते हैं रूम देखने के लिए। तो ठीक है गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू, लव यू ऑल।